नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम की जो सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो है कि 16 और 17 जनवरी को जो HSC को विभिन्न भर्तियों के एग्जाम लेने थे वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं। वो क्यों पोस्टपोन्ड हो गए हैं, किस लिए पोस्टपोन्ड हो गए हैं और वो कब एग्जाम होंगे, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और बच्चों, सबसे पहली बात है, आपको निराश नहीं होना अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए तो। जय माँ सरस्वती का नाम लेके आज हम है ना इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों, जो 16 जनवरी को आपका एग्जाम था और जो 17 जनवरी को आपका एग्जाम था ना, वो एग्जाम है ना अब पोस्टपोन्ड हो गए हैं। गुरुजी क्यों हो गए हैं, क्योंकि ये रीजन दिया गया है बच्चों, जो अभी मतलब वैसे तो HSSC ने तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताया है, लेकिन जो रीजन चल रहा है ना वो ग्राम सचिव का जो पेपर लीक हुआ था ना उसके मद्देनजर रखते हुए ना भाई, आगामी भी कुछ ऐसी कमियां तो कहते हैं ना, कुछ तो कमियां रही होगी, तो वो कमियों को दूर करने के लिए ना ये एग्जाम कहते हैं पोस्टपोन्ड किया गया है। कुछ है ना ये पंचायती राज वाले इलेक्शन का भी इसमें रीजन बताया जा रहा है। तो 16 और 17 को कौन कौन से गुरुजी एग्जाम थे, जो आपके लैब अटेंडेंट का जो एग्जाम था, एक फीमेल सुपरवाइजर का जो एग्जाम था और एक जो आपका स्टाफ नर्स का जो एग्जाम था ना, वो क्या कर दिए गए हैं बच्चों, पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं। अब ये एग्जाम कब होंगे, और एक MPHW, कौन सा एग्जाम था, MPHW, ये सभी के सभी एग्जाम है ना अब बताया जा रहा है बच्चों। वैसे तो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फरवरी महीने में ये एग्जाम है दोबारा होंगे। गुरुजी निराश होने की कोई बात है क्या, निराश होने की बच्चों कोई बात नहीं है, इसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। कहते हैं ना बच्चों, कोरोना आया है ना वो आपदा भी है, और आपदा के साथ है ना आपको क्या दे गए हैं, नए इन्वेशन के तरीके दे गया है, अवसर भी दे गया है। वही बात है, ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है ना। अब बच्चों जैसे ना ग्राम सचिव के में हरियाणा पंचायती राज वाला वो एक्ट आया था ना, किसी ने नहीं पढ़ा था, नंबर कट गए थे ना। और अभी है ना मैं फीमेल सुपरवाइजर से रिलेटेड, लेब अटेंडेंट से रिलेटेड, स्टाफ नर्स से रिलेटेड है ना इस जीके भाई प्रदीप सर पर इतनी अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगा कि फरवरी में एग्जाम होगा ना आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम है ना मतलब इतना मेहनत करेंगे हम अभी से एग्जाम तक, तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी हो सकता है आपकी तैयारी कुछ कम रही है, तो कहीं पर अपनी कमियां थी ना तो उसमें सुधार करने का बच्चों क्या है, अभी आपको एक मौका मिल गया है। ये फरवरी के जो लास्ट तक ये एग्जाम दोबारा होंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और बच्चों अभी है ना कल से हरियाणा पुलिस का जो नया बेस दुरीना पे शुरू हो रहा है 599 रुपए का, और 17 तारीख तक 599 का कोर्स रहेगा, कम से कम 10 टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, आज यही इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं आपसे रूबरू हुआ था। हाँ इतना कहता हूँ बच्चों, आप उदास मत होना, इसको एज ए पॉजिटिव वे से लेना, और जब एग्जाम होगा ना तब उस दिन, जिस दिन एग्जाम में रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपकी मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू मैं देखना चाहता हूं। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।